हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ फाइनेंस टीम में आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्लेमर रहेगा कि यहाँ पर जो वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, जिस कंपनी के बारे में, उसमें मेरी आपको एडवाइस नहीं है कि आप इस कंपनी को शेयर खरीदें या बेचें। प्लीज़ आप अपना ड्यू डिलिजेंस अवश्य करें। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी का नाम है हिरानवा इंडस्ट्री लिमिटेड। हिरानवा इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था एंड वीडियो तकरीबन एक साल पहले बनाया गया था। तब स्टॉक की प्राइस 491 थी, उसके बाद शेयर का प्राइस चला गया नीचे और कई सारे व्यूअर्स के कमेंट भी आए थे कि सर अब तो प्याज नीचे चला जा रहा है, क्या करें। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि एजुकेशनल पर्पज से ही वीडियो बनाता हूँ, आप अपनी लर्निंग लगाइए, अपना ड्यूलेंस करिए, अपना रिस्क एपेटाइट देखिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क झेल सकते हैं। उसको रिस्क को मतलब ये नहीं कि आप लॉस में बुक बेच के निकल जाएं, रिस्क का मतलब होता है कि आप उसको टॉलरेंस कितना कर सकते हैं। जब भी मैं बोलता हूँ कि 3 से 4-5% के बीच में एक स्टॉक में लगाइए, तो एक स्टॉक अगर नहीं चलेगा तो बाकी के तो चलेंगे, बट क्या लोग एक ही में सारा पैसा लगा देते हैं, फिर वो फंस जाते हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता उनका। तो ये एक डिस्क्लेमर है कि एजुकेशनल पर्पज से ही वीडियो बनाया जा रहा है। सो अगर हम देखें 491 से स्टॉक का प्राइस नीचे नीचे जाता है, 263 गया, फिर बॉटम लगाने के बाद, डबल बॉटम लगाने के बाद उसने थोड़ा सा अपसाइड रैली दी और एक अच्छे खासे अभी सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। एंड बिकॉज अगर हम देखें ना, तो जो रेंज है 380 और 400 के बीच की, 350-400 के बीच की, यहाँ से अभी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, बट मुझे ये कंपनी में कुछ अच्छा नज़र आ रहा है कि यहाँ से शायद अच्छा कुछ बन जाए। सो अगर हम कंपनी के हम फाइनेंशियल देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल देखने के पहले, कंपनी की अभी जो रिजल्ट नहीं आए हैं इस दिसंबर क्वार्टर के, अवेटेड है 9 फरवरी को आएंगे, बट तब तक जो सितंबर के रिजल्ट आए उनको हम देख लें। अगर हम हिरानवा का यहाँ पर देखें तो कंपनी की एट ए ग्लैंस में अगर देखें, चार इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, 65 कंट्री में इनकी प्रेजेंस है, इनका माल एक्सपोर्ट होता है, 950 एम्प्लॉई हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉई जो साइंटिस्ट बेस पे ही रहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब चलता रहता है, पर 950 एम्प्लॉई हैं इनके पास। 60+ रेवेन्यू फ्रॉम द इंडस्ट्रियल कस्टमर से आता है, मतलब इनका B2B बिजनेस ज़्यादा रहता है, B2B, और वहाँ से इनको आता है रेवेन्यू 60 रेवेन्यू। एंड अगर हम बात करें, 8,500 उनके डीलर हैं अक्रॉस इंडिया में, 41% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट से बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है, 41% काफ़ी कुछ होता है। यहाँ पे 20% की बात करें तो टॉप 10 कस्टमर से आता है, तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न का मैटर बन सकता है कि अगर 10 कस्टमर से ही 20% रिटर्न आ रहा है, इनका रेवेन्यू आ रहा है, तो अगर उनमें से 2-4% चले गए इधर उधर तो इनके रेवेन्यू में प्रॉब्लम आएगी। तो ठीक है, कंसर्न का मैटर है, बट कंपनी अपने आपके अपने क्लाइंट को भी लेकर चलती होगी। ROC यहाँ पे देखें तो 14.4 का दिख रहा है, विच इज़ गुड फ्रॉम हियर, मेरे हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगता है। अगर हम कंपनी की ऑब्जेक्टिव देखें तो न्यू R&D रिसर्च सेंटर तारापुर में इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। एंड प्लानिंग देखें तो कंपनी की काफ़ी प्लानिंग है, कंपनी अभी 30 साइंटिस्ट के साथ काम कर रही है, कंपनी का बजट है कि हम 60 साइंटिस्ट के साथ काम करेंगे, नई इनकी प्लानिंग बनेगी R&D रिसर्चमेंट, जिसमें नए फॉर्मेशन के साथ कुछ काम करेंगे ये लोग, तो ये भी है। अगर हम प्लानिंग की और बात करें फ्यूचर में, तो कंपनी 2025-26 के लिए काफ़ी कुछ बजट अलॉट किया है और उस पर काम भी चल रहा है कंपनी का। एंड अगर हम कैपेक्स प्लान देखें तो कंपनी ने 50 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में आएगा तो उसका कैपेक्स अलग होगा। तो अगर हम इस चीज़ को वेरीफाई करें कि कैपेक्स प्लान है कि बस ऐसे लिख के दे दिया, तो आप हिरानवा के यहाँ पर जाएंगे एंड बैलेंस शीट में देखेंगे, तो बैलेंस शीट में आपको दिखेगा CWIP में 55 करोड़ दिख रहा है, इट मींस दैट कि जो बोल रहे हैं वो ठीक सही बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक है कैपेक्स प्लान, कैपेक्स प्लान 2 भी है कंपनी का। एंड दिस वाज द ओवर लिटिल बिट ब्रीफ में बताएं तो ठीक था हाँ कंपनी का। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल के बारे में, तो कंपनी की जब मुझे एक चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, कंपनी की ट्रेलिंग 12 मंथ में 1291 करोड़ की सेल्स दिख रही है, लास्ट ईयर 1324 करोड़ की सेल्स हुई थी और उसके पहले 1450 से सेल्स गिर के 1300 हुई, फिर 1200 दिख रही, सेल्स में नो डाउट कमी है, बट अगर हम देखें ना कि जो एक कंपनी की सेल्स ही 1200 करोड़ के आसपास है और उस कंपनी की मार्केट कैप भी 1500 करोड़ के आसपास है, तो कह सकते हैं कि सेल्स इज इक्वल टू बराबर मार्केट कैप। तो ये ऐसा मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि ये हाँ ये अंडर वैल्यूड है, अभी यहाँ से इसको ऊपर जाना तय है, ये मेरी समझ है, आप अपनी समझ लगा सकते हैं इसमें, इसमें ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई कुछ अलग बता रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जहाँ तक मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ। अगर हम बात करें कंपनी की मार्केट कैप तो 1522 करोड़ है, करंट प्राइस देखें तो 380 है, 52 वीक का हाई 426 एंड 265 गया है, एंड स्टॉक का पी यहाँ पे देखें तो 24 है, इंडस्ट्रीज का पी 13 है।
39 है सॉरी, तो 39 से 24 के बीच तकरीबन 15 का जो पी है ना वो डिफरेंट है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ स्टॉक अंडर वैल्यूड ही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का पी इतना है और उसके कमी मिल रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग्स हियर। बुक वैल्यू 211 है, डिविडेंड भी सर्व करती है विच इज गुड। आरओसी यहाँ पे 17.7 का विच इज वेरी वेरी गुड, 15% से ऊपर आरओसी अच्छा माना जाता है, 20 से और अच्छा माना जाता है, 30 ऊपर तो ग्रेट कंपनियां होती हैं। बट एक स्मॉल कैप जिसका मार्केट कैप ही सिर्फ 1500 करोड़ है, वो 17 का आरओसी दे रहे हैं विच इज वेरी गुड। आरओई 14.3 है एंड इंडस्ट्रीज का मैंने बताया पी। प्रमोटर होल्डिंग ग्रेट, 75% जो मैक्सिमम रहती है उतनी प्रमोटर ने होल्डिंग लेके रखी है विच इज वेरी गुड है। ऑल टाइम हाई 945 गया। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, निगलिजिबल है, अंडरस्टैंडिंग है, इतना डेप्ट होना चाहिए, प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, लोन सिर्फ 88 करोड़ का है, तो ओवरऑल देखें तो कंपनी मुझे ठीक ठाक लग रही है। अब हम देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम डिस्कस करेंगे तो सेल्स इंप्रूव हो रही है, दैट इज अ गुड थिंग। सितंबर में अच्छी खासी सेल्स रही 430 करोड़ की, और उसके अगेंस्ट में कंपनी ने 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि नेट प्रॉफिट और सेल्स हाईएस्ट एवर होना चाहिए, बट कभी कभी कुछ कंपनियों को देखने का तरीका भी अलग होता है। बट यहाँ से देखें तो मुझे सेल्स अंडरस्टैंडिंग लग रही है, अच्छी लग रही है। पिछले 3 क्वार्टर के बाद कंपनी ने अच्छी सेल्स जनरेट की और साथ साथ में नेट प्रॉफिट भी जनरेट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 1251 करोड़ की सेल्स दिख रही है, बट 2 क्वार्टर की सेल्स आ जाने दें, नवंबर दिसंबर का रिजल्ट आ जाने दें, फिर और देख सकते हैं आप कि इसमें क्या किया जा सकता है। सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ में बढ़ जाए, नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाए, तो कुछ टर्न अराउंड स्टोरी और बन सकती है यहाँ से। सो 63 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिख रहा है विच इज नॉट गुड, बिकॉज अगर हम देखें ना 63 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट 2018 के बाद का हाईएस्ट दिख रहा है, 2019 में इतना ज़्यादा आया, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, पर उसको भी टच नहीं किया, तो देखा जाएगा फिर उसके लिए भी। अगर हम बैलेंस शीट की बात कर लें यहाँ पे तो 40 करोड़ का यहाँ पे इक्विटी है, रिजर्व भी 805 करोड़ का है, जिनके पास रिजर्व भी 805 करोड़ है, 1500 करोड़ कमी है कंपनी है, तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यू पे मिल रही। बट अगर हमको सब चीज़ अच्छी मिलेगी तो वो स्टॉक प्राइस नहीं मिलेगा, अगर जिसका नेट प्रॉफिट भी अच्छी हो, सेल्स भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो फिर वो उसके जो शेयर 400 रुपये पर दिख रहा है वो 800-900 रुपये पर होगा, यही होगा ना। और अभी क्या है, केमिकल सेक्टर के थोड़ा सा स्लो डाउन भी चल रहा है, कोई भी कंपनी देखें वो अभी स्लो डाउन में चल रही है, तो वहाँ पे स्टडी करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए उसको लेके रखा जा सकता है। फिक्स असेट लगातार इंप्रूव हुई है, 196 करोड़ की फिक्स असेट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 55 करोड़ विच इज वेरी गुड फ्रॉम हियर। और अगर कैश इक्विवेलेंट में देखेंगे ना तो यहाँ पे 42 करोड़ पड़ा है, वेरी गुड है, यहाँ पे कंपनी के पास 42 करोड़ खुद का कैश पड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर ने ओवर पीरियड ऑफ 3 इयर्स होल्डिंग बढ़ाई है 74.15 से 74.95, जो हाईएस्ट लिमिट रहती है वहाँ तक ले रखी है। FIDI यहाँ से निकल चुके हैं, DI सिर्फ 0.3 है, मोस्टली पब्लिक के पास 24.82 है, 30% से ज़्यादा रहता है तो थोड़ा सिरदर्द रहता है, बट 24% भी सिरदर्द है क्योंकि FIDI नहीं है, बट मेरे हिसाब से कि ठीक है, कंपनी के प्रमोटर अगर वो स्ट्रॉन्ग है देयर बिजनेस पे, तो FI पब्लिक भी थोड़ा सा अपना ड्यूलेंस करने के बाद रिस्क ले सकती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ट पैटर्न, सो चार्ट में बताएं तो चार्ट में ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं बनता, कभी कभार बहुत सी जगह पैटर्न नहीं बनते हैं तब भी प्रॉफिट मिल जाता है, कभी कभार पैटर्न बनते हुए निकल जाते हैं, तो उसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं। जब कभी पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है और कंपनी के प्रॉफिट अच्छे नहीं होते हैं, कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नहीं होती है, बिजनेस थोड़ा सा ड्रॉ करता है, डाउन जाता है, तो वहाँ पे चार्ट पैटर्न ऐसा बनता है कि स्टॉक अप जाएगा। बट क्या होता है, वैल्यू जो इन्वेस्टर होता है, वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा वैल्यू ढूंढते हैं कि हाँ इसमें वैल्यू है कि नहीं, और जो ट्रेडर होते हैं जो इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो हमेशा वैल्यू देखते हैं। क्या वैल्यू, शेयर की प्राइस को देखते हैं, शेयर की प्राइस को देखते हैं, एक वैल्यू होता है एक प्राइस होता है, तो वैल्यू को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट जब कभी होता है कि उसमें चार्ट वहाँ इसलिए नहीं बनते हैं कि जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वहाँ कोई चार्ट नहीं बनता, वो चार्ट के हिसाब से वो शेयर नीचे जाना होता है, लेकिन क्या है, वैल्यू इन्वेस्टर वहाँ खरीदते हैं और शेयर ऊपर जाता है। और ट्रेडर जो होते हैं वो कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेडिंग के पैटर्न के अनुसार, चार्ट के अनुसार से स्टॉक का प्राइस अपसाइड जाना होता है, बट वहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टर अपना एग्जिट कर लेते हैं और शेयर प्राइस नीचे चला जाता है। तो देख, एक भी एक स्ट्रेटेजी है जो आप थोड़ा समझना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी प्राइस डाउन है,
बट आने वाले समय में ये डेफिनेटली बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस कम नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो अपसाइड पोटेंशियल है इसमें, और वो भी पोटेंशियल कहाँ तक है, ऑल टाइम हाई के लिए इसको लेके रखा जा सकता है विद देयर ड्यूलेंस। तो यहाँ से देखें तो 150-140 के आसपास भी कैसे 150% का रिटर्न आता हुआ नजर आएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अगर 150% का रिटर्न थोड़ा समय लगा के भी आ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप अपना ड्यूलेंस करने के बाद ही इसमें बाय सेल करें, मेरे कहने से यहाँ पे कुछ ना करें। दिस वॉज द वीडियो ऑफ हिरण्यमय इंडस्ट्री। आई होप आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होंगी। फिर भी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट कर सकते हैं। यू कैन डू व्हाट्सएप ऑल्सो सो दैट वी कैन कम्युनिकेट वेरी इजिली। तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। बाय बाय।